तुम सब लोग गेट आउट, गेट्स लॉस्ट आई से, जाओ। ये किचन है या क्रिकेट स्टेडियम? मुझे खाना बनाना तो क्या नींबू तक निचोड़ना नहीं आता, उस टकलू को पता चले तो मुझे निचोड़ेगा। तुम ईका अमेरिका में कदम रखते ही अपनी आत्मा को भूल गए? तुम यहाँ कैसे? टिकट पासपोर्ट और वीजा की जरूरत तुम इंसानों को पड़ती है, हम तो आत्माएं हैं। फ्लाइट के बिना ही फ्लाई करके हम कहीं भी पहुँच सकती हैं। अब ये बताओ, इस झमेले से बचोगे कैसे? फेमस बावर्ची संजीव कपूर की सारी रेसिपीज इस आईपॉड में रिकॉर्डेड है। वाह, तुम तो अपनी आत्मा से भी गए गुजरे निकले। उन बेचारों पर काहे रोज धड़ रहे थे? ताकि वो मुझे 30 मार खा समझे। और एक बात बताओ, हर जगह दांत फाड़ के अपनी सेल्फीज काहे लेते हो? व्हाट्सएप डालेगा। और कारे वासु, बाहर उस हॉट औरत के साथ डबल मीनिंग बातें। सब्जियां तो ही मासु का है, हॉट मसाले से स्पाइसी बनाएगा। अब मुझे हेलन मिल रही है तो तुम्हें क्यों जलन हो रही है? ये इंडिया का गांव नहीं है, अमेरिका है। यहाँ के गुलाब भी जुलाब देते हैं। जुलाब नहीं, बस 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 बस, अब भाषण झाड़ना बंद कर, घुस जा अंदर। आओ जो अंकल, आज है अपना शीश महल। जब भी कपड़ा बदलना हो पर्दा लगा लेना, यहाँ से नीचे थूकोगे ना 15 मिनट बाद सर पे गिरेगा। दिन भर मरने के बाद मैं अकेला इस बेड पर ले रात भर बस बाहर का व्यू देखूं। कुछ एक्साइटिंग करते हैं। फोन मत उठा, अरे मम्मी मरी गई हो। क्या? हेलो हेलो बेटा, सुन रहे हो ना? पापा हम और ठीक नहीं थे, बाद में फोन करता हूँ। तू तो ऐसे घबरा रहा है जैसे इस फोन में बॉम्ब रखा और फटने वाला हो। अरे यहाँ से सस्ता पड़ता है, वहाँ से कॉल करना महंगा पड़ता है। तेरी बातें मेरे दिमाग को महंगी पड़ती है। पापा केम जो? बेटा तुम्हें गुड न्यूज देनी थी। एक मिनट रुको, अपनी माँ से ही बात कर लो। लो पट्टू की माँ बात करो। माँ नहीं, पार्वती। क्यों फोन किया? माँ, छोटी माँ, आप कैसी हैं? हाँ मैं तो ठीक हूँ। संध्या की शादी फिक्स हो गई है। सुवाच्य, संध्या की शादी एकदम ग्रैंड होनी चाहिए। तुम जैसे निकम्मे का अपना ठिकाना तो है नहीं, ग्रैंड शादी की बात करते हो। क्यों, क्या हो गया छोटी माँ? हर महीने पैसे भेजता तो हूँ मैं। हाँ हाँ, तुम तो इतने पैसे भेजते हो कि आपने 10-10 नौकर रखी है। और एक बात सुनो, इस महीने से ना ज्यादा पैसे भेजना, महंगाई बहुत बढ़ गई है। डबल भेजूंगा। अच्छा संध्या के लिए आईपैड भेजा तो उसे अच्छा लगा क्या? प्लीज उसे फोन दो ना, मुझे उसे कांग्रेचुलेट करना है। तुम्हारी तरफ से मैं कह दूंगी। हेलो, अच्छा पापा रखता हूँ। बुरा मत मानना बेटा, तुम हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हो। ये हमारा तुम्हारा क्या है, हम एक परिवार हैं। बेटा तुम्हारी माँ के मरने के बाद मैंने ये सोचकर शादी की है कि तुम्हें माँ का प्यार मिलेगा, लेकिन उसने जता दिया कि सौतेली सौतेली होती है। मुझे माफ करना बेटा। पापा पापा, क्या दीदी, आखिर आपने इतनी अच्छी बात मुझसे छिपाई क्यों? मुझे भी तो अभी पता चला, इसी वीकेंड को हमारी एंगेजमेंट है और शादी ब्यूटीफुल आइलैंड पर होने वाली है। इस दौरान हो सकता है कि हमारी बात ना हो पाए। बाय द वे, एक और एक्साइटिंग बात, वो मुझे आइलैंड पर हेलीकॉप्टर से लेकर जाने वाला है। वाओ 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 वाओ, हेलीकॉप्टर, हाउ रोमांटिक। तुम्हें सच में कोई प्रिंस मिला है? प्रिंस नहीं, पर दिल का राजा है। वो चाहता है शादी जल्दी से हो ताकि मुझे ग्रीन कार्ड मिल जाए। वो मुझे दुनिया की हर खुशी देना चाहता है। जल्दी करो। ओके, चल बाय दीदी। हेलो, लव यू दीदी। हेलो हेलो हेलो, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू द लव ऑफ माय लाइफ, सी। तुमने मुझे सी के नाम से क्यों इंट्रोड्यूस करवाया? सीता बहुत पुराना नाम है। आई विल जस्ट कॉल यू सी, यू सी। पनीर बटर मसाला बनाने के लिए सबसे पहले पनीर के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। अब सुनिए, पनीर के छोटे छोटे टुकड़े कीजिए। ऑलरेडी कटा हुआ है, आगे बोलो क्या करना है। एक मिनट रुको, जल्दी का काम शैतान का। फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ ना। फर्स्ट टाइम? तुम लोग फर्स्ट टाइम इंडियन खाना बना रहे हो ना? खाना बना रहे हो कि ताजमहल? अरे खाना बना नहीं और गाना सुन रहे हो। खाना बनाने से टेंशन नहीं होती, गाना ना सुनू तो होती है। सुनते सुनते गाना क्रिएटिव बन जाता है खाना। गैस ऑन करने के लिए बीड़ी चलाई ली। वेजिटेरियन डिश के लिए मेरे देश की धरती, नॉनवेज के लिए भीगे होते, और प्योर इंडियन फूड हो तो
हरी प्रसाद चौरसिया। सुभान अल्लाह। खाना और गाना जुड़े हुए हैं। दुनिया का हर एक डिश किसी न किसी गाने से इंस्पायर्ड है। मेरे आईपॉड में 500 रेसिपीज मतलब गाने हैं। म्यूजिकल बावर्ची टेस्टी बनाना। गुलाब जामुन में गुलाब डालना मत भूलना। मम्मी मेरी देखो। हेलो हेलो ये हटाओ ये हटाओ। तू केटरिंग का ऑर्डर मुझे मिला। चलो माफी माफी खेलते हैं। तुम मुझे माफ करो, मैं तुम्हारे प्लेट का पैसा माफ करता हूँ। मत पियो। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, बैटरी लो होती जा रही है। काका प्रॉब्लम था ही लोगों को खाना पसंद नहीं आया। आइटम इतने अच्छे लगे कि अब आइटम सॉन्ग मांग रहे हैं। तो क्या मैं कुकिंग छोड़कर उनके सामने डांस करूं? विजुअल नहीं चाहिए, सिर्फ ऑडियो चाहिए। उसे कहां ले जा रहा है, उसके बिना मैं खाना? अरे कॉपीराइट है क्या? यही गाना स्पीकर में बजाऊंगा, वहां से सुन लेना। व्हाट नेक्स्ट? उससे जाके पूछो। ओए अरे दे आने दे, आने दे, मेरा आईपॉड वापस दे रे। हां बचे क्यों? मंडली एंगेजमेंट में गाने का अरेंजमेंट ना हो तो मजा नहीं आता। हिमेश लेके रहमान के सारे हिट गाने हैं तो कमर कसी लियो। एक बैठ। आज हम आपको चिकन कबाब बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले चिकन को पूरे 12 घंटे तक इमली के पानी में मैरिनेट करने के लिए रख दीजिए। और फिर कल हमने दो इंजीनियरिंग स्टूडेंट को कीमा बिरयानी बनाना सिखाया था। आज हम आपको खीर बनाना सिखाएंगे। खीर बनाने के लिए आपको चाहिए दूध, चावल, इलायची, बादाम और किशमिश। अगर आप चाहें तो पेन पेपर लेकर इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। अभी लिखना दूध, चावल, इलायची। सब लोग हिल गए ना, ये मेरा प्लान था। आजकल क्या है कि लड़कियां शादियों के बाद सबसे पहले अच्छा मुंह बनाती है, अच्छा खाना कोई नहीं बनाता, इसीलिए दुल्हन को ये आईपॉड गिफ्ट कर रहा हूँ। शाबाश। हेलो, मैं कुकिंग की एक्सपर्ट हूँ। अपने हॉस्टल के मेस में अकेले ही 500 लोगों का खाना बनाया करती थी। हेलो सीता, आई मीन सी। तो कलेक्शन देने की आड़ में गलतियों को मत छुपा। म्यूजिक का है अभी? आई वांट म्यूजिक। सॉरी बेबी, वन सेकंड। ब्रो प्लीज ब्रो, कहीं से भी म्यूजिक अरेंज करो। ठीक है पटेल ऑन फ्लोर। एक बात तो बताओ काका, पूरी जिंदगी में कोई काम सच्चाई से किया है? वैसे तो मेरे अंदर सच्चाई का कीटाणु होता तो मैं बाहर काटे होता। तू चुप कर वरना जिन की तरह बोतल में बंद करके फेंक दूंगा। सो क्यों? इतने लंबे चौड़े आदमी को बोतल में उतारोगे? नहीं नहीं नहीं, तुझसे नहीं कहा, मेरी मत नहीं मारी गई है। या काका, पटेल से पटेली नहीं, तुम्हारी बिना हड्डी वाली जबान ने कभी सच बोला है या नहीं? मजबूरी में कभी कभी। ठीक है तो अब मैं तुम्हारी मजबूरी को मल्टीप्लाई करता हूँ। आईपॉड की कसम खाओ और सच सच बताओ तुम्हें खाने में क्या बनाने आता है? अंडा उबालना आता है। बॉइल्ड एग बनाने में एक्सपर्ट। मतलब फेला अंडा? हाँ, 5 साल पहले पाव वाले के पास नौकरी करते समय एक उबाला था, बहुत टेस्टी था। अबे बत्ती जले, इंडिया में पैदा होके अमेरिका में बैदा बेचने आया है? हिलरी बेन का रिश्तेदार है। अभी अभी को देखा क्या? जिसका डर था वही हुआ, ये अभी भाग गया ना। अरे अरे अबे पार्टी नु बिल कौन भरसे? ऊपर एक मत करो, वो तुम्हारे जैसा चीप नहीं है। मैं अभी इज अ जेंटलमैन, इस बात की गारंटी दे सकती हूँ। अभी अभी जीपीएस ऑन कर, अभी मिल जाएगा। अभी जेंटलमैन। ओ जेंटलमैन बापो। अभी डार्लिंग। डार्लिंग जेंटलमैन। ओ डार्लिंग जेंटलमैन। जानू तुम कहाँ हो? जानू डार्लिंग जेंटलमैन क्या छो? हेलो जेंटलमैन, गाड़ी के अंदर सुल्तान के भेज में। सीता 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 रुको, सीता 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 मेरी बात सुनो। आई कैन एक्सप्लेन दिस, जैसे तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है। सीता समझने के लिए रखा ही क्या, तो ये था तुम्हारा प्यार, अभी तुमने मुझे धोखा दिया। पता है तुम्हारे लिए मैंने अपने घर वालों के विश्वास को तोड़ा। मैं शादी के एक दिन पहले 7 समंदर पार करके तुमसे मिलने आई। तुम बहुत ही घटिया और बक्कार इंसान हो। अगर मुझसे प्यार नहीं तो शादी किसलिए? तुमसे शादी करना मजबूरी है। अगर तुमसे शादी नहीं की तो मेरे कंजर्वेटिव पेरेंट्स मुझे जायदाद से बेदखल कर देंगे। सच बताओ, मेरे पेरेंट्स को तुम्हारी सड़ी हुई शक्ल फेसबुक पे पसंद आ गई थी, इसलिए मैंने 6 महीने तक तुम्हें उल्लू बनाया, वरना बहुत गर्लफ्रेंड्स है मेरे पास।
बेबी आर यू ओके? हां ओके ओके, वो मेरी करंट गर्लफ्रेंड है, हमारी एंगेजमेंट की वजह से थोड़ी इमोशनल हो गई, मैं तो बस उसे कंसोल कर रहा था। मतलब तू इनोसेंट इंडियन लड़की का फायदा उठाना चाहता था? ए एक्सपर्ट कमेंट देना बंद कर, और वैसे इसके लिए तुझे इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? ना तेरे लिए हमदर्दी है ना इसके लिए हमदर्दी है, पैसों के लिए हमदर्दी है, ये ले और तुम मेरे साथ चलो। यही सोच रहा था कि तुम जैसे बैकवर्ड इंडियन से मिलूं या नहीं, फाइव स्टार होटल में खा के बहुत बोर हो गया था, इसलिए आज सोच रहा हूं कि घर की मुर्गी की तंगड़ी कबाब खाऊं। ए वेटर, अंदर कैसे आया? कैसे आया? ऐसे चल के आया। क्या बात है, मुझसे लड़ेगा? अरे ये आइडिया भी बहुत अच्छा है, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। अब पटेल का भी एक आइडिया सुन, फैमिली को लाइफ इंश्योरेंस क्लेम करने बोल दे। कब तक रोएगी? चल जाते हैं। ऐसे कैसे जाएगा? इतनी खूबसूरत लड़की की इज्जत की कीमत क्या लगानी चाहिए? पटेल इज ऑलवेज ऑन सेल, पर उसके उसूल नहीं।